पात्र शक्ति आप सभी के श्री चरण कमलों में ये दास का कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे आज के बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजर व भजन गायक भाई साहब श्रीमान श्री श्री विनोद जी राठौड़ निमत से आपका भी सेन समाज दिल की गहरा से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और लीजिए एक छोटा सा भजन है, वो एक सेन समाज का भजन ही है जो बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में। और सेन समाज के जितने भी यहाँ युवा यो विराजमान है हनी सिंह सभी आनंद लेंगे। बोली श्री सांवरिया सेठ की, बोली श्री चार भुजा नाथ की, और एक बार अपने संत शिरोमणि सेन जी महाराज की तन मन से जयकार करेंगे सभी मिलकर। बोली श्री सेन जी महाराज की, बोलो श्री नारायणी मात की, क्या बात है। जो करे जो हरि करे और हरि बिन को नी करे, अरे ए विश्वासी जीवड़ा 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 जीवड़ा, भाई तू धीरज क्यों न धरे धरे। और जो करता है भगवान बाबा श्याम करता है, श्री सांवलिया सेठ करता है। जो करे जो हरि करे, हरि बिन कौन करे, ए विश्वासी जीवड़ा तू धीरज क्यों न धरे। अगर इंसान भगवान के दरबार में धीरज धर लेता तो भव सागर पार है, बाकी कलजुग की गलियां में गोता मुंह भी घा रही धापी खाता रिजो। तो एक सेन समाज का बहुत ही सुंदर भजन है और मेरी यही इच्छा है भजन बिल्कुल शॉर्टकट में 5 मिनट में निपटा दूंगा, लेकिन इस भजन के ऊपर मैं जहां भी भजन संध्या करता हूं श्री अंबिका म्यूजिकल ग्रुप के बैनर तले मेरा एक भजन उस माँ के लिए होता है, वो है गौ माता। और अड़ी महीना का मैंने समथिंग 2-2.5 लाख रुपए गौ माता का नाम पे भीख भी मांग ली थी। और हमारा जमारा में जदि भजन गावा लागू होते लगान 12.5 लाख रुपया गौ माता का नाम पे भीख मांग गिटा भी गिता है। और बड़ा पैसे के मुँह हाथ नहीं लगाऊ, न कोई कलाकार हाथ लगावे, बड़ा पैसा ने जो भी कार्यक्रम करवा रहा है बड़ा नहीं देन भरा जाऊं जो गौ माता के लिए। तो आप भी कोई गौ माता के लिए पैसे देना चाहो तो आप दे सकते हो। जो भी गौ माता ने अपनी माँ मानो, अगर हिंदू वो गौ माता ने अपनी माँ मानो तो एक बार सीधा सीधा हाथ कर लो आप सभी, बिल्कुल एक भी हाथ रेटन मेरे रो छावे, बिल्कुल सीधा सीधा बोले गौ मात की, बोलो मात पिता गुरुदेव की। हरि भजन कर बावड़ा और वीरता जन्म मत खोई, अरे ये श्वास अमोलती जा रहा, भाई मौका भाई मौका मिले ना हो। और सभी आनंद भी लेंगे और गौदान करेंगे। ये गम जो मोटे बिचेरू ताकि 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 1 लाख रुपया करोड़ रुपया इच्छा अनुसार। और माता बिना देखे ये राम मन की ध्यान उठ गाने को भजन गाय वो तो बैजी नहीं लई तो था चिंता मत करो। राम नामी है, तड्डो है, भजंटी है, चांदी की बीटी है, कई भी हरका दीजो। अन बीटी नहीं वेवे अन कई नहीं वेवे हेला छोड़ छाप रहा है तो एक हरका दीजो गाया चरागा। बाकी गौ दान सब ने कर लो है नी। तो आपके बीच में 1-2-1-2-1-2-1-2-3-4 हां भाई बिल्कुल विधि विधि दादी के साथ में ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे जम्बारो नाया को मोटो, अरे जम्बारो नाया को मोटो, अरे बारह महीना कड़ी बात को नीले में टोटो। और बिल्कुल कम से कम आज गौ माता को दान सेन समाज के इस कार्यक्रम में कम से कम 21,000 रुपए भेड़ा भेड़े ही छावे अभी कटिंग दाटी का भी 150 रुपए तो मुई करना क्या है मारा निम्बाड़ा में हमारी खुद की दुकान पे 120 रुपए कटिंग दाटी का कर मिल जाए तो कम से कम ये कटिंग दाटी का रुपए तो मेल ही दीजो। अरे जम्बारो नाया को मोटो, रे जम्बारो नाया को मोटो, अरे बारह महीना कड़ी बात को नीरे टोटो। अरे जजमाना के जावा, अरे जजमाना के जावा, धान को भरियो रे वे खोटो, धान को भरियो रे वे खोटो। अरे जजमाना के जावा, धान को भरियो रे वे खोटो, रे धान को भरियो रे वे खोटो। अरे करमन वारा घरा घरा में जिमावे रोटो, जमारो नाया को मोटो, रे जमारो नाया को मोटो, अरे बारह महीना कड़ी बात को नी पड़े टोटो। क्या बात है, क्या बात है, जय हो अमर वेजो मेरे भक्तो, जय हो दिलीप जी माली निम्बाड़ा से आपका हार्दिक स्वागत। दिलीप जी माली मिलियो जम्मारो इन मत जानो छोटो, अरे बड़ा भाग सु मिलियो जम्मारो इन मत जानो छोटो, अरे आचा आचा नारो लंबावे चाहे कतरुई वे मोटो, अरे आचा आचा नारो लंबावे कतरुई वे मोटो, जम्मारो नाया तो क्योंकि कतरी बढ़िया बात लिखी है भजन में कि बढ़िया बड़ा भाग सू यो मिलियो जमारो इन्हें मत जानो छोटो, और अच्छा अच्छा नाड़ नमावे चाहे कतरू ही मोटो। मोदी साहब भी डाटी कटिंग बनाई सेन साहब का हमें नाड़ नमानी पड़ी क्योंकि माँ को भाग्य साहब यो नाया को जमारो है कि आचा आचा नाड़ नमावे चाहे कतरू वे मोटो जमारो। तो एक बार हाथ उठा लो बिल्कुल सीधा सीधा पुष्कर भाई, ओ पुष्कर भाई जय हो। और ये कृपा हकीकत बात है मेरा भाग्य है, ये राजस्थान के बल्कि पूरे भारत वर्ष के ऐसे ऑर्गेनाइजर है साहब जो बिल्कुल छोटा कलाकार को भी वास्तव में घनी ऊंचे बैठा सके, जो हमारे
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है। बस कैसे ना सुनिएगा, मेरी बात सुनो। आपने तो बात कर ली और आपने जो ये काम किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो मुझे सम्मान दे रहे हैं उसके लिए, कहते हैं ना कि बा अदब बा नसीब और बेअदब बदनसीब। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप आज भी अदब से मुझे इज्जत दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये गौ माता के लिए दान निकाल रहे हैं ना, ये मेरी नजर में बहुत कम है। दो लाइन मुझे भी याद आई है। क्या बात, एक बार ताली बजाओ, जोरदार की ताली बजाओ हमारे ऑर्गेनाइजर साहब विनोद जी राठौर। सुनेगा ये किस तरह का जमाना है। और भजन आपके क्षेत्र का ही है, इधर का ही, मेरे को नहीं मालूम है किसने लिखा किसने गाया, लेकिन मुझे याद आ गया। कुत्ते को घुमाना याद रहा, याद रहा, और गाय की रोटी भूल गए, मधुशाला जाना याद रहा और मंदिर जाना। अच्छी लगी तो जोरदार ताली बजा दो एक बार। और एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, गौ माता के लिए जितना दान हो सके निकालिए। मुझे अभी भी जानकारी मिली है कि जाड़े में भी दो दो गौशाला है, तो हम चाहते हैं पुष्कर जी ये सारा पैसा उस गौशाला में। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां। और जो भी कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, मधुशाला जाना याद रहा और मंदिर जाना भूल गए, भूल गए। मित्र सभी तो याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई। बोल सांचे दरबार की कुछ हट गए। और राम प्रभु का राज में जो मैंने देखो एक कमाल, यो राम प्रभु का राज में जी मैंने देखो एक कमाल, या दुनिया सारी मस्त फिरे और भक्त फिरे कंगाल, भक्त फिरे कंगाल सतिया फिरे उगाड़ी रे, वेश्या के घर देखो नित टोरी कोटन की साड़ी रे। असली तो ना रहा देश में, नकली की हो गई पूत, औरता की चोटियां कटी और मेरे जैसे मर्दा कटा दी। बस सांचे दरबार की कहते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भरत जी सेन झांके हो तुरंत प्रभाव से मंच पे आ जाए। बोल सांचे दरबार की आपके बीच पुष्कर जी। एक मिनट भरत जी सेन ऊपर आ जाओ और साथ में आप पे आ जाओ, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। राजू भाई टिक्केन से। और ये है भरत जी साहब, एक मिनट आ जाओ, सब काम ने छोड़ दो है। ये है एक टुवाल, ये टुवाल है और इस टुवाल को बिल्कुल झोली की तरह फैना के इनको आपको भीख मांगनी है उस माँ के लिए, गौ माता के लिए। हाँ, तुरंत प्रभाव से सभी के बीच में झोली आ रही है, आप सभी को दान देना है उस माँ के लिए। क्योंकि हकीकत बात कह रहा हूं, अगर अपने हिंदू धर्म में, अपने हिंदू धर्म के अंदर अगर किसी औरत का पतिदेव शांत हो जाता है, शांत होने के बाद में 12 दिन होते हैं, 12 दिन होने के बाद में ढोल लगता है, जिस समय ढोल लगता है उस औरत ने अपनी देसी भाषा में कहवा खूणो छोटा मां, खूणो छोटा मां बड़ी टेम सबों पहली गौ माता का दर्शन करावा है नी। अगर गौ माता मरती रही एक्सीडेंट में खत्म होती रही, तो आओ वाली औलादा ने फाइनल पाडा पाडी को मुंडो बताना पड़ी। तो छोटो सो उपाय है, आप सब दान कर लो, क्योंकि गौ माता को उतरो मटर वेरियो, एक दिन में 184,000 गायों को मटर वेरियो है। सबों ज्यादा गलती अपना हिंदू लोगों की है, अपना भाई बंदा की, भोपा जी की, भोपा जी की, सबकी गलती है। एक मिनट पुष्कर भाई, भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर और नीचे आके पैर पकड़कर बोलूं क्या? आप सब इधर आ जाइए, दरबार को थोड़ा छोड़ दीजिए। ए बेटा कुर्सी हटाओ यहाँ से, दरबार के यहाँ से हट जाइए सब, दरबार का दर्शन कर। और पुष्कर भाई आपके बीच भजन गंगा लहरा रहे हैं। हाँ। और फिर से जोरदार तालियों के साथ पुष्कर जी से। बिल्कुल, आप सभी को दान देना है, मेरा एक ही भजन है और हमारे यो भजन ही बजाई तो यही गुणों गुण कह रही तो यही खूब है, बाकी तो भले आखिर रात ही शाम रो जाने भगवान। अरे जमारो नाया को मोटो उठो सीधा सीधा, बिल्कुल हाथ सीधा सीधा कर ला, सभी हाथ ऊंचे पुष्कर भाई। अरे जमारो पुष्कर भाई से निवेदन है कि और भी बहुत कलाकार हैं, तो जल्दी से जल्दी चाहे तो एक से दो नहीं तीन एंट्री आपकी और कराएंगे। नहीं, एक ही भजन कहूंगा, एक को आराम से कहूंगा और उस माँ के लिए
एक आपके लिए खाली 10 बजे, 1 बजे नहीं गाऊंगा, आधी घंटा गाऊंगा, वही आराम से गाऊंगा 1 बजे। उठा लो सीधा सीधा एक बार, बाबू भले करे। अरे जमारो नया को मोटो, रे जमारो नया को मोटो, हर 12 महीना कड़ी बात को नी पड़े टोटो। हाँ भाई में तो नाई परणे तो नाई लेवे गढ़ खातो रे पिंड को लेवे गढ़ खातो। अरे धन में तो नाई परणे तो नाई लेवे गढ़ खातो रे पिंड को लेवे गढ़ खातो। और बिल्कुल एक बार इधर सैन समाज के सभी मेरे साथ में आपके चरणों में नमन है। एक बार खड़े हो गए आप हाजिरी लगा दो तो हमारा भी चल जाएगा। बिल्कुल एक बार नाच लो, एक बार खड़े हो जाओ आप, क्योंकि वे सभी खड़े हो जाओ एक बार। अरे झंड में तो नाई परणे तो नाई लेवे गढ़ खातो रे पीठ को लेवे गढ़ खातो। करे बदर खाली लागे चोटो जमारो नाया को मोटो रे जमारो नाया को मोटो 12 महीना कड़ी बात को मेरे बेटो तो गोल गोल लाडू ये जलेबियों का जारा। अरे गोल गोल लाडू जलेबियों का जारा। अरे खाटू श्याम भोग लगाविया रे जियो लीतो जन्म बांधव गढ़ मोटो रे जोटो बांधव गढ़ मोटो। अरे शेर जियो लीतो जन्म बांधव गढ़ मोटो रे जोटो बांधव गढ़ मोटो। अरे प्रभु बनायो रूप भगत को ले नाई टोटो को मोटो रे जमारो नाया को मोटो 12 महीना कड़ी बात को नीरे में टोटो। बोले गौ बात की जय हो।
जमारो इन्हें मत जानो छोटो रे पाया मत जानो छोटो मुंगो मनक जमारो इने मत जानो छोटो वाया मत जानो छोटो अरे निवेड़ो बदनाम जात में अरे निवेड़ो बदनाम जात में खोल बोतल को डाको अरे निवेड़ो बदनाम जात में खोल बोतल को डाको अरे जमारो आया को मोटो जमारो मोटो बारह महीना कनी बात को मेरे वे टोटो कृष्ण भगवान की यही बैठ के खिल लो आप और ये पैसे आ गए और भी कोई देना चाहता है तो भी दे सकता है क्योंकि सत्संग पूरी भजन संध्या ना आदमी भूल सके लेकिन ये गौ माता का दान और जिसने भी गौ माता का दान दिया माँ भगवती माँ गौ माता आपकी दिन दुगना रात चौगणी खुशी मिले अपार सदा सलामत राके आप सबने माँ हिंदू रक्षक गौ मात तो जिसने पैसा दिया उनका भी धन्यवाद और जिसने नहीं दिया उनका और ज्यादा धन्यवाद और भी कोई देना चाहता है तो दे सकता है ये पैसों की गिनती हो रही है कितने पैसे आएंगे अभी आपके सामने इनके बताए जाएंगे और ये पैसे किसको देने हैं वो आप सब निर्णय करके उनको दे देना और गौ माता में तो एक बार बिल्कुल गौ माता का नाम पे बिल्कुल सीधा सीधा हाथ करो लास्ट बार एक बार और बिल्कुल एक भी हाथ नीचे नहीं रेणो जावे माँ का नाम पे और जोर की बोलो गौ मात की बोलो धरती मात की मात पिता गुरुदेव की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बिल्कुल विनोद जी भाई साहब से भी हाँ समा जाता हूँ उस माँ के लिए अब कोई बात नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्री चरण कमलों में दास का कोटि कोटि नमन बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी।